हर हर महादेव। वेलकम माई न्यू ब्लॉग। जी हाँ दोस्तों, मैं सिंगर मनीष फलौदा धाकड़ आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोगों की सपोर्ट और प्यार से मेरे चैनल पर 6000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। और दोस्तों, जो आज का ब्लॉग है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि सावन के महीने में हम आए हैं शिव जी के दर्शन करने। और ये कि कोटा की सबसे फेमस यहाँ पर जगह है, जहाँ पर लोग भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। जी हाँ दोस्तों, शिवपुरी धाम। और आज हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर कितने शिवलिंग हैं। आपने कभी देखे नहीं होंगे इतने सारे शिवलिंग हैं। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो पर बने रहना। चलिए आपको दिखाते हैं आगे की फुटेज। सो गाइस, ये मंदिर दिख रहा है यहाँ पे, और अभी हम जाने वाले हैं इसके अंदर। और ये बाहर का नजारा कुछ इस तरह का है, आप देख सकते हैं। और ये जो वाला मंदिर जो दिख रहा है आपको, ये नया बना है, पहले ये नहीं था जब हम लास्ट टाइम आए थे। बट अभी आप देख सकते हैं, अभी आपको अंदर लेके चलेंगे हम। सो वीडियो पर बने रहना गाइस, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर मज़ा आने वाला है। जो अंदर आपको प्यारे प्यारे शिवलिंग नज़र आ रहे हैं, उनको अंदर से आप देखोगे तो आनंदित हो जाओगे, अंदर से मन बिल्कुल प्रसन्न हो जाएगा आपका। श्रद्धालुओं का यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है। तो लेके आया वो पीछे उधर। थैंक यू। लोटे का सिस्टम। और गाइस, इधर भी इतने सारे शिवलिंग हैं ना, पिछली बार हम जब यहाँ पे आए थे इनकी छत ऊपर नहीं थी, काम चल रहा था, और तब ये शिवलिंग भी सारे तैयार नहीं थे। बट अब इतने सारे यहाँ पर शिवलिंग हैं, आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन यहाँ पर शिवलिंग पूरे नहीं होंगे। ये अद्भुत चमत्कार है हमारे भोलेनाथ का। और इस साइड भी आप देख सकते हैं,
हर तरफ गाइस यहाँ पर शिवलिंग है, तो आप सोच सकते हैं कि भोलेनाथ का कितना अद्भुत चमत्कार यहाँ पर है। अलौकिक शक्ति यहाँ पर मौजूद है और अभी काम चल रहा है, और जब ये सारे शिवलिंग तैयार हो जाएंगे तो उसके बाद तो फिर कहना ही क्या। सो गाइस दर्शन करते हुए यहाँ पर हमको हमारे पहचान के पंडित जी यहाँ पर मिले हैं, तो वो भी यहाँ पर हैं, तो उनसे भी बात करेंगे। और आप देख सकते हैं कितना प्यारा है यहाँ पर भोलेनाथ का चार पूजा मंदिर है यहाँ पर, कितना प्यारा यहाँ पर लग रहा है आप देख सकते हैं। और बाकी यहाँ का माहौल बहुत ही शानदार है। चलो बहुत ही यहाँ पर एक अलौकिक यहाँ पर माहौल है। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं कुटिया टाइप यज्ञ के लिए यहाँ पर बना रखे हैं, और ये आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ है और सब लोग यहाँ पर जल चढ़ा रहे हैं। प्यारा सा यहाँ पर माता पार्वती जी का ये मंदिर है यहाँ देख सकते हैं, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर शिवलिंग है। उसके अलावा यहाँ पर और प्रेम से पूजा करें, ज्यादा सेल्फियां पे ध्यान नहीं दें, लेना है तो बाबा का फोटो ले लें और थोड़ा थोड़ा जल चढ़ाएं और बड़े भगवान पे पानी नहीं फेंके, ऐसा गुनाह नहीं करें। देवांग गाइस हम जेजे के आए, तो हम आइसक्रीम खा रहे हैं। महादेव भगवान अमरनाथ तक आवाज जानी चाहिए, अपने से यहाँ ही नहीं आई भोलेनाथ को। सो फाइनली गाइस आप लोगों ने दर्शन कर लिए भोलेनाथ के, इतने सारे शिवलिंग थे कि उनकी गिनती करना मुश्किल है। तो माहौल बहुत ही यहाँ पर प्यारा है और आई होप कि आपने दर्शन किए होंगे। इस तरह का ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, इस तरह के प्यारे प्यारे ब्लॉग आपके लिए लेकर आते रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।